चौदह साल में पिछले ओवर का संस्था स्थापन हुआ था। आर्य समाज मूवमेंट है, सामाजिक न्याय मिलने के लिए पटना में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का 75वां स्थापना दिवस एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शंभाजी महाराज शामिल हुए। साथ में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एल बी सिंह भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए दलित वर्ग के उत्थान की बात कही। 75 साल में पिछले वर्ग का संघ का स्थापन हुआ था, आर्य चंद्रपुरी जी ने किया था। ये एक मूवमेंट है, एक सोशल मूवमेंट है, सामाजिक न्याय मिलने के लिए जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको न्याय मिलने के लिए ये मूवमेंट 75 साल पहले शुरू की थी। मुझे खुशी है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं वंशज हूँ, छत्रपति शाहूजी का वंशज हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी स्वराज्य सब जात के समाज के लोगों की लेके उन्होंने ये स्वराज्य निर्माण किया था। 200 साल बाद छत्रपति शाहूजी महाराज ने जिन्होंने पहला आरक्षण दिया है पिछड़े वर्गों को 50%, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने राज्य घटना में घटित किया। उस लाइन से ही चंद्रपुर जी साहब ने ये मूवमेंट चलाई है। 75 साल हो गए, वो जो डिप्रेस क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको ताकत मिलने के लिए जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट जो महाराष्ट्र में उसको शाहू फुले अम्बेडकर बोलते हैं, यहाँ पिछड़े वर्ग बोलते हैं, वहाँ महाराष्ट्र में बहुजन समाज भी संबोधित करते, तो ये मूवमेंट को ताकत देने के लिए, ये मूवमेंट को एक चालना देने के लिए मैं आज आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि चंद्रपुरी जी तमिलनाडु में परिहार, शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ही श्रेणी में सब काम करते। जी एस सी एस टी और ओबीसी माइनॉरिटी को इसमें शामिल किया गया है। नहीं, यही है ना, वो जो डिप्रेस क्लास बोलते, जो पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, जहाँ पहली बार जिन्होंने इसको प्राधान्य दिया था वो मेरे फोर फादर छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया था। वो 50% आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य घटने में घटित किया, और उसके बाद ये प्रोसेस के समय पे चंद्रपुरी जी ने भी ये मंडल कमीशन हो या वो 340 का वो उसमें उन्होंने भी मूवमेंट चलाई। तो ये डिप्रेस क्लास, डिप्राइव क्लास, डाउन ट्रॉडन क्लास, जो पिछड़े वर्ग है उनको ताकत देने के लिए ये जो 5 महापुरुष हुए थे उसमें एक चंद्रपुरी जी है, तो उनको आज सम्मान करने के लिए, उनके मूवमेंट के लिए ताकत देने के लिए मैं आज मेरा यहाँ दौड़। सर 75 साल हो गए, आपको लगता है कि जो पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं उनको न्याय मिला? नहीं, न्याय तो अभी तक मिला नहीं है, न्याय मिलना चाहिए था। जो शाहू महाराज ने 1902 में वो आरक्षण दिया था, ऐसा नहीं कि आरक्षण 200 साल चलना चाहिए, एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि ये पिछड़ा ये शब्द जाना चाहिए, और ये सोशल इक्वलिटी जिसको हम समता बोलते हैं महाराष्ट्र में, ये समते का जो सोशल जस्टिस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शाहू महाराज इज़ अ पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जो स्तंभ जो होता है वो सोशल जस्टिस के लिए शाहू महाराज को संबोधित करते हैं। पर एक समय ऐसा आना चाहिए, पिछड़ा वर्ग ऐसा वर्ग रहना ही नहीं चाहिए। और फिर भी आज ऐसी परिस्थिति है, बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या बाकी राज्यों में भी, ये आज भी पिछड़ा वर्ग है, ये पिछड़े वर्ग के लिए न्याय मिलना चाहिए, ये हमें सरकार, कोई भी सरकार हो, मेरी उनको दरख्वास्त है। सर अपना नाम बताइए। अरे बाप, आप पहले पूछना चाहिए, मैं पूछ ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके 90वें वंशज छत्रपति शाहूजी महाराज का मैं वंशज हूँ। मैं शिवाजी महाराज का 13वीं पीढ़ी और मैं राज्यसभा भी सांसद रह चुका हूँ। अभी एक महीने पहले मेरी टर्म कम्प्लीट।